कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा स्प्लैश स्क्रीन विद एनिमेशन इन एंड्रॉइड स्टूडियो, यानी कि हमारी एप्लीकेशन जो हम न्यू बना रहे हैं क्यूआर कोड स्कैनर, उसके लिए हम एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको हमारी जो डिपेंडेंसी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो बता देता हूँ। सो ये हम एंड्रॉइड गिफ ड्रॉएबल की डिपेंडेंसी यूज़ करने वाले। अगर आपको एनिमेशन मैन्युअली क्रिएट करना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मगर इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सो उसके लिए मैंने गिफ फाइल एक जनरेट की है, वो गिफ फाइल को मैं शो करवाऊँगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो उसके लिए हमें ये डिपेंडेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। सो आप वीडियो पॉज करके ये डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इसे ऐड किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको मेरा इल्यूस्ट्रेशन बता देता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये है मेरा इल्यूस्ट्रेशन जो हम यूज़ करने वाले हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की ओर। सो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ ये हेलो वर्ल्ड जो डायरेक्ट आता है वही टेक्स्ट व्यू है। सो अभी मैं इसे पूरी स्प्लैश स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट करूँगा और उसके बाद मेन एक्टिविटी के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो ऐसा कुछ कोड करेंगे। सो टेक्स्ट व्यू को इरेज करके शुरू करते हैं हमारी स्प्लैश स्क्रीन बनाना एनिमेशन के साथ। सो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास अभी ये हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट है उसको मैं अभी रिमूव कर दूंगा। सो उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारी इल्यूस्ट्रेशन को और यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा गिफ इमेज व्यू। और गिफ इमेज व्यू इस तरीके से आपको लिखना है, उसकी विड्थ और हाइट देनी है वेब कंटेंट, उसका सोर्स दे देंगे हम हमारी स्प्लैश इमेज। और स्प्लैश इमेज देने के बाद आपको ये एरर जनरेट कर देगा। सो हमें ये एरर का वेट करना है और उसके बाद इसके कंस्ट्रेंट्स ऐड कर देंगे जो हम सेंटर इन पेरेंट ऑब्वियसली रखेंगे। यहाँ पे मैंने उनके कंस्ट्रेंट्स ऐड कर दिए। अभी आप देख सकते हैं गिफ इमेज व्यू रेडी है और गिफ अपने आप में ही एक एनिमेशन होता है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारी मेन एक्टिविटी है। हमें स्प्लैश स्क्रीन के लिए कुछ टाइम डिसाइड करना पड़ता है। सो अगर हम 3 सेकेंड्स शो करवाना चाहते हैं हमारी से स्प्लैश स्क्रीन, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 3000 मिलीसेकेंड्स। और सेम उसी तरीके से अगर हमें 5 सेकेंड्स शो करनी है हमारी स्प्लैश स्क्रीन, सो उसके लिए हमें अगेन 5000 मिलीसेकेंड्स लिखना पड़ेगा। फॉर टू हमें 2000 मिलीसेकेंड्स लिखना पड़ेगा। सो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा स्प्लैश टाइमर क्रिएट करने के वक्त मैं इसका फंडा आपको दिखा दूंगा। अभी हमें हमारी एक्टिविटी में से ट्रांसफ़र होने के लिए पहले हमें न्यू हैंडलर क्रिएट करना पड़ेगा। सो अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे न्यू हैंडलर लिखूँगा, उसके बाद पोस्ट डिलेड मेथड आएगी और ये न्यू रनेबल के अंदर ऑन रन मेथड क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं अभी हमारा जो इंटेंट है वो लिख देंगे न्यू इंटेंट। और बेसिकली हमें करना ऐसा होता है कि इस एक्टिविटी से डैशबोर्ड एक्टिविटी पे पहुंच जाए या फिर लॉगिंग स्क्रीन, व्हाटएवर हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो। मगर हमारे पास अभी फ़िलहाल ये डैशबोर्ड एक्टिविटी नाम का कोई क्लास है नहीं, सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इसी क्लास को। सो वो मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसे ये बेसिकली एक लूप बन जाएगी, मगर हमें हमारी अगले वीडियो के अंदर मैं इसको चेंज कर दूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास
और ये फिर एरर जनरेट कर देगा। सो हमें उस एरर पे अभी ध्यान नहीं देना है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्यों एरर दे रहा है। अभी इंटेंट क्रिएट करेंगे स्टार्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा। सो फिनिश लिखना ज़रूरी है क्योंकि जब यूज़र ऑन बैक प्रेस मेथड क्लिक करेगा तभी हमें स्प्लैश स्क्रीन वापस नहीं दिखाने, इसलिए हम इसे फिनिश कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिली सेकेंड्स पास नहीं की, मतलब कितने सेकेंड बाद ये हैंडलर शुरू हो। सो उसके लिए आप देख सकते हैं स्प्लैश टाइमर में क्रिएट कर देता हूँ, और इसे हम लॉन्ग भी कह सकते हैं और इंटीजर में भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट फील्ड जनरेट हो जाएगी और इसे हम दे देंगे इंट, और टाइमर जैसे मैंने बताया 5 सेकेंड्स रखना है हमें। सो 5 सेकेंड्स इस तरीके से हमारी स्प्लैश स्क्रीन एनिमेशन के साथ रेडी हो जाएगी जब आप इसे शुरू करेंगे, मगर इसको क्लोज करना मत भूलेगा वरना एरर शो होता रहेगा। अभी आप देख सकते हैं हमारी स्प्लैश स्क्रीन विथ एनिमेशन का कोड रेडी है। जैसे ही ये एप्लीकेशन फिनिश होगी आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।